Okay, so in last class we have seen the first application of dimensional analysis, that is conversion of one physical quantity in one system to another system. देखा हमने कि किस तरीके से सर आपका माइक म्यूट है. माइक म्यूट है. यस सॉरी बच्चों. सो हमने लास्ट क्लास में देखा कि किस तरीके से हम वन फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं. ओके सॉरी वन फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में, वन क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में तो कोई कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है सिस्टम में कन्वर्ट होती है. ये थोड़ा ना होगा कि आप न्यूटन को पास्कल में कन्वर्ट कर लो या न्यूटन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो. फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा. ओके वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही रहेगी एज सच. लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था साक्षी? आप एक क्लास पीछे चल रही हैं तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा. एक क्लास आप पीछे चल रही है ना, एक लेक्चर आपका बाकी है तो वो बीच अभी क्लास के बाद में देख लेना. चलिए देखिए क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 90 जूल पर मिनट इन अ सिस्टम विच हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट. बताओ बच्चों कितना आया N2 की वैल्यू? बताइए N2 की वैल्यू कितनी आई सर? 3240000 मतलब इसको आप लिख सकते हो 324 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 क्योंकि चार जीरो बोल रहे हैं. लेट्स सी 3240000 वेरी गुड बेटा बिल्कुल सही है आंसर. देखिए 3240000 एग्जैक्टली बिल्कुल सही है. और किसी बच्चे ने नहीं किया किया क्या इसका आंसर? देखो जो लोग कल क्लास में थे उनको तो करके लाना बनता है भाई ये क्वेश्चन. ओके उनको तो करना चाहिए. चलिए तो देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व होगा ये. एक बार इसको देख लेते हैं. यस सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 90 जूल पर मिनट इन अ सिस्टम विच हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट. देखिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है? 90 जूल पर मिनट, या मतलब ऊपर है जूल और नीचे है पर मिनट यानी कि टाइम. तो कल मैंने बताया था जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी वर्क अपॉन टाइम. अब वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या था? एम एल टू टी की पावर माइनस टू और अपॉन टाइम का हो गया टी. सो दिस बिकम एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री एंड इट इज गिवन द फर्स्ट मैग्नीट्यूड इज 90 जूल पर मिनट. सो यू हैव गिवन एन वन इक्वल्स टू 90. एन वन इक्वल्स टू 90. ओके सो वी कैन राइट बाय द कंसेप्ट एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू 90 अपॉन 60. अब सर 60 क्यों किया? 60 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये मिनट में है और इसे हमें कन्वर्ट करना है पर मिनट को पर सेकंड में. तो 90 जूल पर मिनट को हमने 60 में कन्वर्ट कर लिया जिससे वो 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके सो 90 जूल पर मिनट दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन 60 सेकंड हो गया. अब यूनिट रखिए एन वन इक्वल्स टू किलोग्राम, एन टू इक्वल टू किलोग्राम, एल की जगह मीटर स्क्वायर एंड टाइम की जगह सेकेंड की पावर माइनस थ्री इक्वल्स टू एन टू पता करना है. मास की जगह कितना दे रखा 100 ग्राम, लेंथ की जगह 100 सेंटीमीटर तो स्क्वायर लग जाएगा बिकॉज यूनिट जो कन्वर्ट हो रही है 100 सेंटीमीटर में है. 100 ग्राम गलत है ना? क्यों गलत है भाई? क्योंकि केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं. नहीं तो ये तो फंडामेंटल तो दिया है ना कल की क्लास में, आप नहीं थे क्या? 100 ग्राम जो है कल करवाया तो था याद करो, ऐसा ही तो क्वेश्चन था याद करो. 10 किलोग्राम तो इधर 10 पुट किया था. अच्छा क्वेश्चन में 100 है? हाँ 100 है ना क्वेश्चन में. तो ये 100 ग्राम हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर और 1 मिनट की पावर माइनस 3 बिकॉज इस तरफ जो है यूनिट दी गई है मिनट में है और वहाँ सेकेंड में है. चलो अब कन्वर्ट करो सब कुछ ले आओ नीचे. सो 90/60 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, सेकेंड की पावर माइनस 3 अपॉन मिनट तो बस कन्वर्ट कर लो. 1000 ग्राम 100 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ऊपर 100 की पावर 2 बचेगा मतलब 10 की पावर 2 4 100 गुणे और 100 से 100 कैंसिल भी हो गया. कुछ नहीं बचेगा. और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड तो 60 की पावर माइनस 3 पल्टी मार करके ऊपर 60 की पावर 3 बन जाएगा. सो अब N2 की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए. चलिए N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए इस तरीके से N2 की वैल्यू आ रही है. चलो तो थोड़ा सा वक्त देता हूँ इसको नोट करो. अक्षत तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया क्या? नहीं सर. क्यों भाई तुम तो पढ़ चुके हो नए चैप्टर पर क्यों नहीं कर रहे हो क्वेश्चन? हाँ मैं सर वो दूसरी शीट सॉल्व कर रहा था. अरे क्वेश्चन देता हूँ वो कर लिया करो क्लास के, कम से कम ये तो रहेगा ना कि बता पाओगे क्लास में. चलो लिखो जल्दी से नोट करो. फिजिकल क्वांटिटी
ML2T की पावर -3, कन्वर्ट करो इसको। चलो नोट करो पहला पार्ट, सब लोग जो लोग नहीं करके आए हो नोट करिए पहला पार्ट। फिजिकल क्वांटिटी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बेटा ब्राइटनेस बढ़ा लो तुम मोबाइल की, तब तुमको और अच्छा दिखेगा, और उसको मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में करो। गुड इवनिंग बेटा, इसको हॉरिजॉन्टल मोड में कर लिया करो तो स्क्रीन जो है बड़ी हो जाएगी। जैसे गुड इवनिंग आचल, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क की वैल्यू टाइम की वैल्यू। सबसे पहले 90 जूल पर मिनट है, उसको सेकेंड में बदल दो तो 90/60 बन जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। सो 90/60, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाइए N1U1 = N2U2 का। लिख लियो जो बच्चों, नो यस बोल देना, डन बोल देना। यस सर, डन, सभी ने लिख लिया। बाकी बच्चे बोले मानवी, परी, हाँ बताइए, लिख लिया? यस सर। ओके, यस सर, ठीक है, ये हो गया। बस इसके बाद सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आंसर आ गया 324 और 4 बार 0। यू कैन ऑल्सो राइट दिस 324 × 10^4। ठीक है, 324 × 10^4 फॉर्म में आप लिख सकते हो। जल्दी से नोट करो। यस सर। साक्षी, चलिए बाकी लोग सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। अब इसके बाद सिंपल है सॉल्व करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा लो, N2 की वैल्यू इस ऐसी आ जाएगी। चलिए अब आगे है बच्चों, अगला टॉपिक है लिखिए टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। लिखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस का एक जबरदस्त यूज है कि एक टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन डिराइव करना, को कह सकते हो टू डिराइव ए फिजिकल फॉर्मूला। किसी फिजिकल फॉर्मूले को डिराइव करना, बात वही हुई। चलिए आ जाइए स्क्रीन पे बच्चों, देखिए फिजिक्स के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं।
बच्चों एग्जाम्पल के लिए आप के पास कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ जो आपने पढ़ के आए हैं. एक फार्मूला आपने पढ़ा है क्लास नाइन्थ में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. एक फार्मूला आपने पढ़ा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड एक फार्मूला आपने पढ़ा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. यस, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मगर इन फॉर्मूलों को मैं डायमेंशनल एनालिसिस के कंसेप्ट से यूज़ करके नहीं निकाल सकता हूँ. डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके इन फॉर्मूलों को मैं डिराइव नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस इन्वॉल्व है. ये देखो बच्चों, तो इन फॉर्मूलों में प्लस इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसको डिराइव नहीं कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को. तो एक इसकी मतलब क्या है, ये लिमिटेशन है, कमजोरी है. तो आपसे मैं पूछूंगा कि बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का कब इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, तो बोलोगे सर अगर कोई ऐसा रिलेशन जिसमें प्लस हो और माइनस हो वहाँ पर ये मेथड फेल हो जाती है. डोंट वरी, लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी बाद में पूरी लिमिटेशंस आएंगी, एक साथ मैं लिखवाऊंगा, कबल समझ लो. तो सर फिर हम इसे कैसे फार्मूला डेवलप करेंगे, जला देखिए एक फार्मूला. न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. जी हाँ, ये पूरा फार्मूला जो है न्यूटन्स का लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, इसे आप यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डेराइव कर सकते हो. डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके डेराइव कर सकते हो इस फॉर्मूले को. और क्या डेराइव कर सकते हो बच्चों? एक नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं. फॉर एग्जांपल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, आप इसको डेराइव कर सकते हो. ओके, और बहुत सारे, मतलब क्यों, देखो यहाँ पर कहीं पर प्लस नहीं है, जो भी है मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में है. एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच. देखो ध्यान से, जो भी है मल्टीप्लीकेशन में, कुछ भी सम में नहीं है. है क्या सम में कुछ भी? नहीं है. तो यहाँ इसको भी डिराइव कर सकते हो. और इतने ही आपको पता है मतलब फिजिक्स के, मगर फिजिक्स के फॉर्मूले तो यार भाई अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड. तो ये तो आपको पता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिए. इतने सारे फॉर्मूले हैं कि पूछिए मत. उनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों. एक फार्मूला होता है जो होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आपने शायद देखा हो, पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम वाली होती है ना, पेंडुलम वाली घड़ी, ये टुक 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 वाली घड़ी. इसमें ये पेंडुलम का ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं बॉब. जो पेंडुलम की लेंथ के साथ लटका हुआ रहता है, डेट इज कॉल्ड पेंडुलम बॉब. ओके, और ये यहाँ वहाँ होता है मोशन. ओके, इस तरीके का मोशन. इस मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो को हिंदी में बोलते हैं आगे और पीछे, आगे और पीछे. यार इसको अप एंड डाउन तो बोल नहीं सकते हो ना, इसको लेफ्ट राइट भी मत बोलो, इसको बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में टू एंड फ्रो. समझ में आया? तो ये मोशन जो होता है बच्चों, ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है. ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम इस मोशन में इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने वाले हैं. और मैंने तो फिजिक्स 18 साल से पढ़ा रखी है, तो मुझे पता है इसका टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. मुझे तो याद है ना, टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी. ये क्या है? टाइम पीरियड है. अब बोलोगे सर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मतलब बच्चों, जैसे ये पेंडुलम यहाँ से चला तो यहाँ गया, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर यहाँ तक आ जाएगा. यस, झूले में बैठे हो? झूले में हाँ बैठे तो हो गए, पार्क वाला झूला. झूला वाला देखो, झूले का सीन क्या होता है, ये झूले की टोकरी में तुम बैठे हुए हो, यहाँ पे दोस्त ने धक्का मारा, क्या हो गए? मीन इस पोजीशन से पहले यहाँ जाओगे, ये मैक्सिमम पॉइंट तक गए. सर हाँ जी. सर आपकी आवाज़ बीच बीच में जा रही है. आवाज़ जा रही है, एक मिनट रुको. यस सर, लैग हो रहा है. एक मिनट रुकिए. Mm-hmm.
चलिए, अब शायद अब तो नहीं होना चाहिए, अभी हो रहा क्या? तो नहीं सर, स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है मैंने। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे आपके पास टोकरी है। अब इस टोकरी को आपके दोस्त ने धक्का दिया, ये यहाँ जाएगी, ये वापस आएगी, ये पीछे जाएगी और ये फिर यहाँ आएगी। तो जहाँ से चली और वहाँ पर वापस आ गई, दिस इज कॉल्ड वन 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 साइकिल। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। वन साइकिल को हिंदी में बोलते हैं एक चक्कर, और एक चक्कर में लगने वाला टाइम जो होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन, वन रेवोल्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड जो मैंने अभी आपको बताया, ये कितना बताया मैंने आपको? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये मैंने आपको बताया टाइम पीरियड। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हमारे पास सवाल क्या, सीधे उस पर आ जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सर फिर से लैग हो रही है आवाज़। यार पता नहीं क्यों लैग हो रही है, अभी तो बिल्कुल सब कुछ सही है, यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल प्रॉपर है। साक्षी लैग हो रही है आवाज़, मतलब इस पे तुम तो क्यों? बाकी परी आवाज़ लैग हो रही क्या? यस सर, आवाज लैग हो रही उधर। पता नहीं क्यों हो रही है। ठीक है, अभी मैं फिर से लेफ्ट होके जुड़ा हूँ, अब तो नहीं होना चाहिए। देखिए, सो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड। पहले ये फीलिंग लाइए कि मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि डिराइव अ फिजिकल फार्मूला, किसी फिजिकल फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। अब देखिए थोड़ी सी अप्रोच लगेगी। द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, मतलब जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे, पहली चीज। अब मास की कितनी पावर से कर रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, तो आप ले लो मास की पावर ए। ओके, मास की पावर ए ले लिया आपने। देन इफेक्टिव लेंथ, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है पेंडुलम की, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर बी, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि लेंथ की कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। एंड ऑसिलेशन, सॉरी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी इज डिपेंडिंग ऑन द थर्ड क्वांटिटी, डेट इज ग्रेविटी एक्सेलेशन, इसको जी ले लो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना? यस सर आया। एक पावर ए ले ली, एक पावर बी ले ली, एक पावर सी ले ली, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। गिव दिस इक्वेशन नंबर वन, गिव दिस इक्वेशन नंबर टू, गिव दिस इक्वेशन नंबर थ्री। ये आपने 1 2 3 इक्वेशन ले लिया बच्चों, तीनों को मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा? T इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। बच्चों सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो सर, जैसे क्वेश्चन में तो अपने को केवल इतना दिया कि इतनी इस यूनिट पे, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ऑसिलेशन, बट अपने को ये कैसे पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल? भाई हमने कब कहा कि हमें पता है? हमने ए बी सी ले लिया, वही ए बी सी हम निकालेंगे। अब आपको देख करके ए बी सी का साइन पता थोड़ा ना है कि मैंने कब कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आपको भले देखने में लग रहा है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, बट फॉर इंस्टेंट मान लो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम ही तो लिखोगे आप, यस और नो? यस सर। तो वो इसमें डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है और इन्वर्सली भी इन्वॉल्व है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू क्या है, यस और नो? यस सर। हाँ, सो टी इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। नाउ कंपेयर करो, इसको इक्वल करो। सो टी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। आएगा नहीं आएगा बताइए? आएगा सर। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास, ये तो फिजिकल इक्वेशन हो गया जो हमको, जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। ये फिजिकल इक्वेशन हो गया है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लो, ये मैं इसको लिख दिया। टी इज इक्वल्स टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। अब क्या बना दो इसका डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन इक्वेशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ अपन को बॉक्स लगाना पड़ता है। तो बॉक्स टी मतलब टाइम पीरियड है, इक्वल टू बॉक्स ऑफ के, बॉक्स ऑफ एम इज अ फिजिकल क्वांटिटी ए, बॉक्स ऑफ एल की पावर बी एंड बॉक्स ऑफ जी
की पावर सी, क्या कर दिया, डायमेंशन की बात कर रहा हूं ना, अब डायमेंशनल एनालिसिस लगाना है बच्चों। टी मतलब टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड में मास होता है क्या, नहीं होता, मतलब एम की पावर जीरो। लेंथ होती है क्या, नहीं होती, मतलब लेंथ की पावर जीरो, मगर टाइम की पावर वन दिख रही है। कॉन्स्टेंट में कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो मतलब के की डायमेंशन, मतलब ना तो कुछ एम में, ना तो कुछ एल में, ना तो कुछ टी में, तो कॉन्स्टेंट को बिल्कुल गायब कर दो यहाँ से। अब ये क्या है, मास, तो मास क्या होता है भाई, कैपिटल एम डायमेंशनल सिंबल होता है, कितनी आ गई पावर ए। लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल, पावर आ गई बी। और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बोलो अनुभूति मानवी, जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, जी का, जी की डायमेंशंस बोलो क्या होंगी सर, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। वेरी गुड बेटा, एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू। तो आपको m लिखना हो तो लिखो, वैसे ना लिखना हो तो ना लिखो, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 2 और होल पावर c, बिल्कुल सही। चलिए तो यहाँ पे m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 1 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज करो, देखो यहाँ पे m, इसके पास केवल पावर a है, ओके। सर फिर से लैग हो रहा है, लैग हो रही है फिर से, यस सर फिर से हो रहा है यार, पता नहीं क्यों लैग हो रही है, अभी बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। हेलो बोलो, क्लियर है, यस सर अब क्लियर है, ओके। देखिए एम की पावर ए, एल की पावर देखिए यहाँ पे कितनी है, बी है, और यहाँ एल की पावर वन मल्टीप्लाइड बाई सी, तो यहाँ हो जाएगा एल की पावर बी प्लस सी। और यहाँ कितना बचेगा, टी के लिए केवल यहाँ पर बचेगा माइनस टू सी, बोलो एग्री कि नॉट एग्री, एग्री सर। देखो एल की पावर बी थी और एल की पावर यहाँ पर देखो भाई साक्षी वन इंटू सी, तो सी पावर मल्टीप्लाई करोगी तो सी हो जाएगा ना, एल की पावर यहाँ भी तो है, तो बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी, एल की पावर बी प्लस सी हो गया, एक पावर यहाँ देगा एक पावर यहाँ देगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सी का मल्टीप्लाई तो होगा, वो बॉक्स के बाहर है, तो ये हो गया एल की पावर बी प्लस सी। अब दोनों तरफ कंपेयर करो, देखो ध्यान से, यहाँ पर मास की पावर जीरो है, यहाँ पर ए की पावर, ए की वैल्यू जीरो है, तो कंपेयर करने पर दोनों तरफ से बोलो ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, जीरो, जीरो, हाँ, बी प्लस सी कितना आया बताइए देख के, जीरो, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड माइनस टू सी इक्वल टू कितना आएगा बोलो, वन, वन, तो सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू। तो यार ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, और बी प्लस सी जीरो है तो बी की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या है हमारे पास, बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी, सो बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी की वैल्यू कितनी निकली अभी जस्ट निकाली हम लोगों ने, सी की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू निकली थी सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस वन बाई टू। तो चलिए हमारे पास ए की वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू जीरो मिली है, बी की वैल्यू मिल चुकी है वन बाई टू, और सी की वैल्यू कितनी मिली है माइनस वन बाई टू। अब आ जाइए मेन इक्वेशन में, तो मेन इक्वेशन क्या था हमारा जिस पर हम वैल्यू निकालने चले थे, इक्वेशन नंबर वन, ये देखिए क्या था हमारे पास इक्वेशन, टी इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, यही था ना इक्वेशन, यस सर। सो इसको लिखिए, क्या था ये इक्वेशन, ये इक्वेशन था टी इक्वल्स टू के टाइम्स एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। तो बच्चों डाल दीजिए वैल्यू, टी इक्वल्स टू के, मास की पावर ए है मतलब कितना है जीरो है, एल की पावर बी मतलब लेंथ, सॉरी स्मॉल एल था वहाँ पे, तो एल की पावर बी, बी कितना बच्चों वन बाई टू, और जी की पावर सी मतलब कितना माइनस वन बाई टू, क्लियर है, थोड़ा इसको संभालो। T इज इक्वल्स टू के एम की पावर जीरो, किसी का पावर भी जीरो क्या होता है बच्चों वन, तो के वन जा क्या हो जाएगा, के ही होगा क्योंकि वन तो हट जाएगा ना, yes, और केवल क्या बचा, एल की पावर वन बाई टू और जी की पावर वन बाई टू, अपॉन में आके क्या लिख सकता हूँ मैं, जी की पावर वन बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू के, इसको लिख सकता हूँ मर्ज करके एल अपॉन जी का होल पावर वन बाई टू, दैट कैन बी रिटन एज टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी, बिकॉज पावर वन बाई टू मतलब रूट, पावर वन बाई टू को क्या बोलते हैं
रूट बोलते हैं, और बाई एक्सपेरिमेंट स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2, और एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो के की वैल्यू लैब में आती है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इन दिस वे, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहीं तक छोड़ करके आएंगे, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करना आपका काम नहीं है, वो काम लेबोरेटरी में साइंटिस्ट का काम है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर है, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, और लिख दीजिए आपको के की वैल्यू पता है कि के की वैल्यू 2 पाई होती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फार्मूला इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पर दिक्कत है प्लीज़ बताओ बच्चों, क्या दिक्कत है? सर कुछ भी नहीं। बाकी बच्चे बोले नहीं आया क्या समझ में, दोबारा समझाऊं? सर एक बार और ओके, वन टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे बॉब के। ओके इफेक्टिव लेंथ मतलब एल पे डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाइए अपनी कॉपी में, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर बी, एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू जी की पावर सी। चलो जल्दी जल्दी बनाओ इक्वेशंस, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, एंड जी की पावर सी। एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दो बच्चों, 1, 2, 3 दे करके लिख दो, कंबाइनिंग 1, 2, 3 तीनों को मर्ज करने के बाद टी इज प्रोपोर्शनल टू एम, तीनों को साथ में लिख दो, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, तीनों को साथ में लिख दीजिए। टी इज इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी, के ले लो कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल कभी भी हटता है फिजिक्स में, कॉन्स्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कॉन्स्टेंट आएगा ना, कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है फिजिक्स में तो कॉन्स्टेंट आता है के, ठीक है? जैसे एक पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, वी प्रोपोर्शनल टू आई, याद है ओम्स लॉ? याद है वी प्रोपोर्शनल टू आई करते थे, तो प्रोपोर्शनल हटता तो याद है आर आता था, आर आई, वहां पे आर कॉन्स्टेंट होता था, याद है ना रेजिस्टेंस, ऐसे वहां पे भी कुछ ना कुछ आएगा के, ठीक है? टी इक्वल्स टू के एम की पावर ए, एल की पावर जी की पावर सी। ओके अब लिखिए टी इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। अब डायमेंशनल इक्वालिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस का, यहाँ आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पे एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, बॉक्स टी इक्वल टू टी की डायमेंशन इक्वल टू के की डायमेंशन, एम की डायमेंशन, एल के ऊपर डायमेंशन, जी की डायमेंशन, बॉक्स सबके ऊपर लगा दो। अब वैल्यू पुट करते जाओ, टी मतलब एम जीरो एल जीरो टी वन, एम जीरो एल जीरो टी वन, के का कुछ नहीं होगा बच्चों क्योंकि कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर स्मॉल एम का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम की पावर ए, स्मॉल एल का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एल की पावर बी, और जी का बताया था कितना, एल वन टी की पावर माइनस टू, तो एल वन टी की पावर माइनस टू की होल पावर सी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर, देखो एक पावर बी है एक पावर सी है, दोनों को क्लब कर लो, क्या हो जाएगा, एल की पावर बी प्लस सी, और टी की पावर माइनस टू सी। क्लियर है? यस सर। बच्चों आगे बढ़े, लिख लिया इतना? यस सर। कंपेयर करिए, देखिए देखिए यहाँ एम की पावर ए है और यहाँ एम की पावर जीरो, तो पहला रिजल्ट आ गया बच्चों, लिखो ए इक्वल टू जीरो। कंपेयर करिए दोनों तरफ की पावर, ए की पावर जीरो है यहाँ, ए की वैल्यू जीरो, देन राइट साइड में देखिए बी प्लस सी कितना है, जीरो है,
एंड देन माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो टू सी इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, c इक्वल टू माइनस वन बाई टू, सी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों इस इक्वेशन में तो b की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू पुट कर दो तो b प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी b इक्वल टू माइनस सी, तो b इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। सो अब आपका जो मेन इक्वेशन था उस पर आ जाओ। मेन इक्वेशन का मैं नाम देना भूल गया था, इसका नाम देना चाहो तो आप इसका नाम चार दे दो, क्योंकि ये थे वन टू थ्री और ये था फोर, तो मेन इक्वेशन का नाम आप फोर दे दो, ये के वाले का इक्वेशन का नाम फोर दे दो। तो लिखो बाई फोर, बाई इक्वेशन फोर, यहाँ लिखोगे सो बाई फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगा, टी इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ठीक है, t इक्वल टू के एम की पावर ए, बस वैल्यू रख दो ना, और क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं तो बचा। तो m की पावर जीरो, l बी, एल की पावर वन बाई टू और g की पावर माइनस वन बाई टू। एम की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, l की पावर वन बाई टू, एल की पावर वन बाई टू और g की पावर माइनस वन बाई टू नीचे जाएगा तो बन जाएगा g की पावर वन बाई टू। हो गया, k कॉमन लेकर के l और g को होल पावर वन बाई टू कर लो, आंसर आ गया t इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी। डन साक्षी, समझ में आ गया? yes, मानवी, परी, आंचल, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। ओके, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है तो इसको करिएगा जी। चलिए, टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन शीट में। सो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन डिपेंड्स मास ऑफ द बॉब, इफेक्टिव लेंथ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी कैन राइट टाइम डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलेरेशन, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम पावर ए। वही कर दिया, के कॉन्स्टेंट है, अब डायमेंशन को पुट करके बस अरेंज कर दिया, ले दे के वही आ गया जो अपन कर रहे थे, एम जीरो एल की पावर बी प्लस सी टी की पावर माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे थे हम। तो कितना आ गया, m की पावर a, l की पावर b प्लस सी और t की पावर माइनस टू सी। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्या आई, a की वैल्यू जीरो, b प्लस सी जीरो, तो c की वैल्यू माइनस वन बाई टू, बी की वैल्यू वन बाई टू। सो आंसर आ गया बच्चों t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, बात खत्म। ये हो गया हमारा आंसर, आई होप इट इज क्लियर, सबको बन जाएगा ना बच्चों। Yes, चलिए, अब एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा हो जाए और इसमें पूरी आपको दम लगानी है। चलो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन है भाई। फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मीनिंग केवल इंट्रोडक्शन के लिए है कि एक वैरायटी ऑफ फोर्स जो किसी सर्कुलर पाथ में, सेटेलाइट है, सेटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, ओके, ये सेटेलाइट घूम रहा है, तो बच्चों याद रखना कि कौन है जो सेटेलाइट को घुमा रहा है अर्थ के चारों तरफ, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बस ये तो इंट्रोडक्शन था कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। अर्थ के चारों तरफ चांद को भी कौन घुमा रहा है, ये चांद है, चांद को पकड़ करके कौन घुमा रहा है अर्थ के चारों तरफ, वही है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो खैर इसकी बाद में होगी। आगे लिखे क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन मास,
मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द रिलेशन फॉर फोर्स। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए फोर्स के लिए रिलेशन फाइंड करो। डायमेंशनल एनालिसिस के कंसेप्ट का यूज करते हुए यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द रिलेशन फॉर द फोर्स। करना क्या बच्चों, देखिए क्या क्या दे रखा है। ये कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में, मान लो ये सेटेलाइट है या ये कोई ऑब्जेक्ट है। इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v और इसकी रेडियस यहाँ से है r। तो आपको बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। चलो सॉल्व करो, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है। स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, 6 मिनट है आपके पास बच्चों। 6:50 पर मैं आपसे पूछूंगा। इट इज़ वेरी सिंपल, कोई नकल से नहीं करेगा, हर कोई अकल से करेगा। अपना दिमाग लगाइए, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है जो अभी पुराना यूज किया था। F इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। तुमने सॉल्व कर लिया? यस सर। कॉपी में? कॉपी में भेजो फोटो। यस सर। पर भेज दी। सही है। KmV square upon R। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही तो कर रहे हो एकदम। करो, अरे इस तरफ तो फोर्स है ना, लेफ्ट में तो फोर्स है। अच्छा, आपको फोर्स की डायमेंशन पता नहीं होगी। हाँ, आपका एक क्लास छूटा हुआ है। देखिए बच्चों क्या है, फोर्स डिपेंडिंग ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए। बेटा टी नहीं लेते हैं, एफ लेते हैं, फोर्स को एफ लो। फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। एफ इक्वल टू के एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। अब फोर्स की डायमेंशन सब बच्चों को याद होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन बोलो बच्चों, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी की पावर माइनस टू इक्वल टू के की कोई डायमेंशन होगी नहीं। मास मतलब कैपिटल एम, वेलोसिटी मतलब एल टी की पावर माइनस वन की होल पावर बी, एंड रेडियस मतलब लेंथ की पावर सी। तो इसको ब्रेक करो, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस बी एंड l की पावर c। चलो मर्ज कर दो, देखो m की पावर a, l की पावर एक है b और एक है c, तो मर्ज होकर के क्या बन गया, b प्लस c, और t की पावर क्या बचेगा, माइनस b, है ना। कहाँ से आया, अरे ये था ना माइनस वन और b, तो t की पावर माइनस b, ठीक है। हाँ, क्या है साक्षी बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? फोर्स में दिक्कत आ
हाँ वो फोर्स अभी आपको क्योंकि रटना पड़ेगा एम एल टी की पर माइनस टू, समझ गए ना? फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वो ये बनता है, वो एक लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा। तो ये हो गया अपने पास। चलिए बच्चों ये बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब कंपेयर कर दो, देखो इधर पे m है, इधर a है, इधर 1 है, मतलब a की वैल्यू कितनी 1। इधर पे कौन है पावर b प्लस सी, और इधर पे कौन है 1, तो b प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। अगला माइनस b इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम की पावर में माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 2। तो यहाँ पे b इक्वल टू 2 रखोगे तो c इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 2 कितना आया माइनस 1, तो अपने पास c की वैल्यू आ गई माइनस 1। ओके यस, तो ये देखिए c की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो आंसर हो गया फोर्स इक्वल टू के एम वी आर की पावर माइनस 1, सो के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँ फिर से। आंचल क्लियर है? यस सर। हाँ जी, चलिए ठीक है ना। तो अभी आप ये साक्षी बैठ करके करोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं करने का मौका दूंगा आपको, तो आप इसको कर लीजिएगा। चलिए बच्चों लिखिए अगला यूज़, अगला यूज़ लिखिए, लिखिए डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज़, लिखो यूज़ नंबर 3। ये सेकेंड यूज़ था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूज़ नंबर 3। यूज़ नंबर थ्री है बच्चों, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, मतलब किसी इक्वेशन की अगर करेक्टनेस मतलब सत्यता, वो सत्य है या नहीं है, कोई फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है, इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस के कंसेप्ट से पता लगा सकते हैं। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप पता लगा सकते हैं कि कोई गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ओके यस, तो जो फिजिकल इक्वेशन होते हैं वो किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, कौन सी थ्योरी को फॉलो करते हैं? लिखो, लिखो कॉपी में, लिखो फिजिकल इक्वेशन फॉलोज द रूल ऑफ होमोजीनिटी, एच ओ एम ओ होमो होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, जो फिजिकल इक्वेशंस होते हैं हमारे जो फिजिक्स में, वो किसको फॉलो करते हैं? वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का मतलब क्या होता है ये समझो बच्चों। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ ईच टर्म इन एनी फिजिकल इक्वेशन इज सेम, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एनी फिजिकल इक्वेशन इज सेम। किसी फिजिकल इक्वेशन में ओके, अगर वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है तो हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी। अगर वो करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एनी करेक्ट, एक और चीज जोड़ लो, करेक्ट फिजिकल इक्वेशन, इनकरेक्ट में नहीं, करेक्ट अगर होगा फिजिकल इक्वेशन तो वो सेम होगी। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल करूँगा तब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक आपके पास इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास में। अब आप, मैं हर टर्म की डायमेंशन निकाल रहा हूँ, बिकॉज क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कहता है द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, ईच टर्म मतलब हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है, तो हर टर्म की डायमेंशन निकालो। चलो s की निकालता हूँ, यू टी की निकालता हूँ और हाफ ए टी स्क्वायर की निकालता हूँ। बच्चों s का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हो, s मतलब डिस्प्लेसमेंट,
और डिस्प्लेसमेंट को किस में नापा जाता है, लेंथ में, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल की पावर वन, बोलो होगी कि नहीं होगी, बिकॉज एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पढ़े हो ना बच्चों? यस सर। हाँ, यू कोई बताएगा यू का मतलब क्या होता है, यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी, तो यार है तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी मैंने आपको क्या पढ़ाई है, डायमेंशन, मीटर पर सेकेंड होती है यूनिट, तो मीटर मतलब लेंथ और टी मतलब टाइम, तो क्या बन गई डायमेंशन, एल टी की पावर माइनस वन, बना कि नहीं बना, मीटर फॉर एल और टाइम फॉर टी, सो इट वुड बी एल टी की पावर माइनस वन, ये हो गई यू की, और टी मतलब टाइम, तो टाइम का लिखो टी, तो टी की पावर माइनस वन से टी की पावर प्लस वन कैंसिल, केवल क्या बचा ले दे करके, एल। चलो अगला बोलो खुशी, सॉरी साक्षी, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, क्या कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन होती है, नो नहीं होती, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन बोलो, किसमें नापा एक्सेलरेशन, और उसको तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन किसमें नापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसमें नापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब एल, सेकेंड स्क्वायर मतलब टी की पावर टू, हाँ तो क्या बन जाएगा ये अपने पास देखो, एम जीरो एल वन हाँ टी की पावर माइनस टू, एल अपॉन टी की पावर टू बना, और टी स्क्वायर मतलब टाइम की पावर टू, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा एल, तो ध्यान से देखो इस टर्म की डायमेंशन क्या निकल करके आई, एल, इस पूरे टर्म की डायमेंशन भी क्या निकल करके आई, और इस पूरे टर्म की भी डायमेंशन क्या निकल करके आई, मतलब किसी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन में हर टर्म की डायमेंशन क्या होती हैं, सेम होती हैं, सेम मतलब होमो, होमोजीनियस, जीनियस मतलब पावर, सेम पावर की होती हैं, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। मानवी पढ़ो, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इट स्टेट्स दैट फॉर एन इक्वेशन रिलेटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी द डायमेंशन शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड्स, एग्जैक्टली, सो कोई अगर आपके पास इक्वेशन दिया गया है, सो इन एनी गिवन फिजिकल इक्वेशन इफ इट इज करेक्ट ओनली, अगर वो करेक्ट है ना, अगर डायमेंशन सेम नहीं आ रही मतलब 100% वो फिजिकल इक्वेशन गलत है, ओके तो अगर कोई किसी क्वेश्चन में अगर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम आ रही हैं तो जो होगा वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होगा। बच्चों रिसेंटली एक इसका क्वेश्चन आया था जेई में, बहुत बढ़िया है ना, और वो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था बच्चों को, बट जिनको मतलब वो क्वेश्चन था मोशन का एक्चुअली, ओके वो क्वेश्चन था मोशन का, कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो वो क्वेश्चन मोशन का था और उन लोगों ने बोला था कि आप बताइए कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो सब लोग जानते हैं कि भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और जो चार ऑप्शन दिए थे उनकी डायमेंशन निकालने में इसकी डायमेंशन मीटर पर सेकेंड नहीं आ रही थी, इसकी डायमेंशन मीटर पर सेकेंड नहीं आ रही थी, केवल एक आंसर था जिसकी डायमेंशन मीटर पर सेकेंड आ रही थी और वही आंसर था, तो मैं वो थोड़ी देर में आपको कल करवा दूंगा वो क्वेश्चन निकाल करके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन को देख करके कि कितना बड़ा क्वेश्चन था और उसको आपने कितने आसानी से कर लिया। फिलहाल राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट दिस, यस बेटा, यस बोलो सर, तो जो इक्वेशंस में प्लस या माइनस रहता है तो उसमें ईच टर्म को एलएचएस से इक्वेट करके निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन भी बनेगा अभी, एक मैंने कॉम्पिटेटिव शीट जो दी है उस पर एक क्वेश्चन भी बना, एग्जाम्पल के लिए आपको बोलेगा कि अगर मैं बोलता एस इक्वल टू ए इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर, यदि मैंने ये बोल दिया तो मैं पूछूंगा यहाँ पे ए की यूनिट क्या होगी या ए की डायमेंशन क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि सर जो एस की डायमेंशन होगी वही ओनली ए टी की डायमेंशन होगी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताइए, यस सर, तो एस की डायमेंशन क्या होगी एल बिकॉज इट इज लेंथ, ए का पता नहीं और टी की डायमेंशन क्या होगी टी, सो ए को रोक लो, ए इज इक्वल टू एल अपॉन टी, सो व्हाट वुड बी ए, इट इज मीटर पर सेकेंड, मतलब डेफिनेटली जो ए होगा ए एक वेलोसिटी होगा, बिकॉज मीटर पर सेकेंड किसकी डायमेंशन होती है,
वेलोसिटी की या स्पीड की, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे ए क्या होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ पे बी क्या होगा, कुछ भी पता लगा सकते हो, तो इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे अभी. ओके, लेट्स अगेन टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू एल, यू टी इक्वल टू एल टी की पावर माइनस वन इंटू टी, दैट इज इक्वल टू एल. ए टी स्क्वायर का आ गया एल, सो एल प्लस एल इक्वल टू एल, सो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. नाउ बच्चों लिखो क्वेश्चन, चेक वेदर द इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस स्क्वायर. हाँ, क्या दिया इक्वेशन? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट. चेक करिए कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. चलो, नो सर, नॉट करेक्ट. क्यों क्यों नहीं है करेक्ट भाई? किसने गड़बड़ करी यहाँ पे? सर एस स्क्वायर ने. एग्जैक्टली. चलो देखो बच्चों, सभी लोग सॉल्व करो. तो सबसे पहले वी स्क्वायर देखते हैं. देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की डायमेंशन निकालता हूँ. व्हाट इज वी? वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब एल टी की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना? मीटर पर सेकेंड खुलेगा तो क्या आएगा? एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू. चलो भाई खुश हुए हम. नाउ यू स्क्वायर, व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी ना, तो है तो वेलोसिटी ही, तो एल टी की पावर माइनस वन का अगेन होल स्क्वायर, तो क्या हो गया? एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू. नाउ 2as स्क्वायर का डायमेंशन देखते हैं. 2as स्क्वायर का डायमेंशन, तो 2 का डायमेंशन तो कुछ होता ही नहीं है. a मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब l t की पावर माइनस टू, और s मतलब l का स्क्वायर. ओके, तो क्या हो गया? देखो l की पावर 3 और t की पावर माइनस टू. तो देखिए ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, बट ये इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर. तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. ओके चलिए अब एक क्वेश्चन हो जाए, लास्ट क्वेश्चन है ये. बच्चों लिखिए, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन फाइंड अ डायमेंशन फॉर्मूला. If the following equation is dimensionally correct, then find the dimension formula for A, B, C, D and E. Krish, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Then find the if the equation following equation is dimensionally correct, then find the dimensional formula for A, B, C, D and E. तो ए बी सी डी और ई के लिए आप जो है डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करें. इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए एस इक्वल टू, एस इक्वल टू ए प्लस बी टी. अच्छे से लिखना देख के, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसे लिखो. एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन ई प्लस टी का क्यूब. ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन ई प्लस टी का क्यूब. चलिए बताइए ए की डायमेंशन क्या होगी? ए की डायमेंशन क्या होगी? बी की डायमेंशन क्या होगी? ओके, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ सी? What would be the dimension of D and what would be of E? So tell me the dimension of each of the constant. Okay. Unit नहीं बोली है मैंने guys. मैंने आपसे dimensions पूछी हैं. So बताइए क्या होंगी dimensions A, B, C, D, E? अभी आपने परी मीटर बताया है, that is not correct. Dimension बतानी ना आपको. Sir, आप, L. Okay. The dimension of A is equal to L. Exactly. Dimension of B. LT minus 1. LT minus 1, exactly. Dimension of C. LT minus 2. Exactly, LT minus 2. Dimension of D. LT minus 4. LT minus 4. अब वेट यार, ये देखो, ये जो टर्म है ना,
इसको थोड़ा आराम से हैंडल करूँ। क्या पंगा है देखो इसमें भाई, दिस इज गिवन इन द डिनोमिनेटर यू हैव गिवन ई प्लस टी क्यूब, ई प्लस टी क्यूब। देखो इस टर्म को थोड़ा अलग से लेके चलो भाई, लेफ्ट में क्या चल रहा है एस, और इधर पे क्या है डी अपॉन ई प्लस टी क्यूब। सो लुक फर्स्ट, यहाँ पर ई जो है किसके साथ ऐड हो रहा है, टी क्यूब के साथ ऐड हो रहा है। ई जो हो रहा है किसके साथ ऐड हो रहा है, टी क्यूब के साथ ऐड हो रहा है। मतलब जो डायमेंशन टी क्यूब की है वो डायमेंशन ई की होगी, बिकॉज ऐड होने के लिए डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम। सो ई की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, टी क्यूब की डायमेंशन। मतलब ई इज इक्वल टू टी की पावर थ्री। ओके नाउ एस मतलब एल, एस की डायमेंशन एल, अब और ऊपर है डी अपॉन, डायमेंशन वाइज ये टी की पावर थ्री है तो ये भी क्या होगा, टी की पावर थ्री। तो डी इज इक्वल टू एल टी की पावर थ्री, चेक द आंसर। ओके डी इज इक्वल टू एल टी की पावर थ्री, सो लुक द आंसर एग्जैक्टली, फर्स्ट ए इज एल, बी एल टी की पावर माइनस वन, सी एल टी की पावर माइनस टू, डी ऑफ एल टी की पावर थ्री। नोट कर लीजिए डी इज इक्वल टू एल टी की पावर थ्री, डन बन जाएगा बच्चों। यस सर। ओके सो ये आज के लिए इतना ही, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हो गए आज, बहुत अच्छे अच्छे। और अब आप कॉम्पिटिटिव शीट में आपको दे रहा हूँ, वो आप लोग दौड़ लगा करके जोर से जल्दी से कंप्लीट करिए, ठीक है ना, और अच्छे से आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव शीट में थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा, इसके पहले भी भेज चुका हूँ, बट कुछ बच्चे नए हैं उनको नई मिली है तो अब वो इसको कर लेंगे। चलिए ये मैं भेज रहा हूँ आप लोग।